तो व्यूअर्स, अगर इस तैयारी से रिलेटेड या उर्स की तारीखों से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में अपने सवाल पेश करें, हम कोशिश करेंगे आपके सवालात के जवाब देने की। और बताएं आपको ये लाइव वीडियो कैसा लग रहा है। ये देखिए पूरी दरबार शरीफ की तैयारी यहाँ पर बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रही है। और जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस लाइव वीडियो को शेयर भी करते हैं, और जिन्होंने अभी तक इस पेज को फॉलो नहीं किया पेज को फॉलो करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम जब भी आएँ तो हमारे आने के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। ये देख सकते हैं पूरा दरबार का पैरामाई से व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत तैयारी इस बार, बहुत ही ज़ोरों शोर से तैयारी चल रही है। और बाहर की भी अब यहाँ से जब हम निकलेंगे तो आपको बाहर की भी वीडियो दिखाएंगे की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले गुजारिश है अनीस मेमन, रमज़ान खान, अब्दुल वाहिद, नौशाद अशरफी, शेख इम्तियाज़ अली, मोहम्मद यासीन, जितने भी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और सभी को उर्से पाक की एडवांस में मुबारकबाद। ऐसे इम्तियाज़ अली मां जी, देखिए व्यूअर्स अब हम जो है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दरबार शरीफ का पूरा अहाता है, यहाँ की तैयारियों का आप देखिए। मोहम्मद यूसुफ एज इम्तियाज़ अली जी, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ अली साहब, आपका भी शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं व्यूअर्स NNTV के ज़रिए से रिजवान खान रूमी। अच्छा रूमी भाई हमारे साथ जुड़े हैं जाफरनगर से, क्या बात है, हमारे अजीज दोस्त रूमी भाई। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स यहाँ पे तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए पूरी टीम भी मौजूद है। मिर्ज़ा शहबाज बेग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद यूसुफ अत्तारी। तो हम आपको एक बार बाहर का भी वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस उर्से पाक के बारे में लोगों को बताने के लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो हर ग्रुप में शेयर करते चलें व्यूअर्स ताकि इस जो खूबसूरत उर्स की जो तैयारी है, और सबसे बड़ी बात उर्स के बारे में लोगों को पता चल जाएगा आपके एक शेयर से। आरिफ खान भी जुड़ गए हैं, तो आप शेयर करते चलें और इंशाल्लाह इस बार भी कोशिश करेंगे NNTV और हमारी पूरी टीम अब्दुल शेख के साथ और फरीन शाह है जो भी हमारी टीम है पूरी, असलम अब्दुल बशीर खान साहब है, तो कोशिश करेंगे कि पूरे वीडियोज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे उर्से पाक के। तकरीबन जो प्रोग्राम्स होंगे नाज शरीफ होंगी, तकरीर होंगी, बयान होंगे, उसके भी आपको लाइव कवरेज या वीडियो अपलोड करके दिखाने की कोशिश की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि उसमें आपको पेज को फॉलो करते नहीं आप लोग, और फिर नोटिफिकेशन नहीं आता है आपको, वीडियो आया नहीं आया। तो अब हम आपको बाहर की तैयारी एक बार दिखा दें। ये देखिए ये अब हम आ गए हैं गेट के बाहर। MD आबिद अंसारी, तनवीर शेख, भीम कनिया, नागपुर डेकोरेशन, सैयद नावेद, समीर खान, तनवीर शेख, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं व्यूअर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयारियों की जो जायज़ा लेने के लिए एक टीम भी आई हुई है। ये देखिए ये पूरा बाहर का आता है, यहाँ पे जो इसके पहले जो पिछले साल जो है पूरा बयान का सिस्टम यहाँ बनाया गया था, और ये एंट्री है, एंट्री की सजावट भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही ज़बरदस्त इस बार तैयारी एकदम हट के होने वाली है। तो हम आपको बार बार यही कह रहे हैं व्यूअर्स के इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि जो पूरी दुनिया में शहनशाह हफ्ते अकलीम हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि बहुत सारे लोग होते हैं पता नहीं मसरूफियात की वजह से पता नहीं चल पाता है कि उर्से पाक शुरू हो रहा है या नहीं है, तो उन्हें भी पता चल जाएगा। फिलहाल हम आपको डोम तक लेकर आ गए हैं, ये इंट्री लेवल का डोम है, ये जब इंट्री जैसी आप करोगे बड़े गेट की तरफ, अभी हम वापस जा रहे हैं मेन रोड की तरफ,
बहुत वेलकम रिजवान रूमी साहब, बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता है रूमी साहब, कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाफरनगर में इनका रहना है, गिट्टी गदान में, बहुत ज़बरदस्त काम। तो व्यूवर्स, बार बार हम यही कह रहे हैं कि जो भी नए व्यूवर्स पेज को फॉलो नहीं किए, पेज को फॉलो कर ले, और शहनशाह हफ्ते अकलीम का उर्से पाक पूरी दुनिया में लोगों को पता चले, उसके लिए इस वीडियो को हर ग्रुप में, हर पेज पर कॉपी करके, डाउनलोड करके शेयर करते चले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंच जाए, जो लोग मसरूफियात की वजह से भूल जाते हैं। तो ये वीडियो को अब इख्तिताम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है व्यूवर्स, ये वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो हम आपसे भी माफ़ी चाहते हैं, अगर बारगाह शहनशाह आपके अकली में जाने अनजाने कुछ गलतियां हो गई हों तो हम सरकार से भी माफ़ी चाहते हैं, और आप सब के लिए हम दुआ करेंगे कि शहनशाह आपके अकली हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े गुफैल से अल्लाह पाक तमाम मोमिनों की हिफाजत फरमाए, क्योंकि जो हाल हमारे देश में चल रहे हैं व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा टेंस वाला समय है। अभी 2024 के पहले पहले बहुत सारी अनहोनी होने की इम्कानात भी लगातार नज़र आ रहे हैं, तो आप लोग सेफ रहें, सतर्क रहें, और दुआएं करें अल्लाह पाक के वली से। ये अल्लाह की वली की बारगाह में हमने आपको लाया है, आपको दिखाने की कोशिश की है छोटी जो तैयारियां हैं, जो बड़ी तैयारियां हैं, अगर कोई भी जाने अनजाने में गलतियाँ हो गई होंगी तो सरकार हमें माफ़ फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारे लिए दुआएं खैर करें। अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली ज़ात है, जब तक हम मलकुल मौत को नहीं देखते हैं उसके पहले तक तौबा के दरवाज़े खुले रहते हैं। तो दुआए खैर करें औलिया इकराम की बारगाह में, और अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ करें, सुकून के लिए, शांति के लिए, और हमारे देश बिलखसूस, हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश में अमन अमान के लिए बिलखसूस दुआएँ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन भरा माहौल है। एक बार नाम ले लेते हैं जो नए व्यूअर जुड़ रहे हैं, रमज़ान खान, मोहसिन शेख, नौशाद अशरफी, वसीम। तो व्यूअर्स, अब वक्त है आपसे विदा होने का, लेकिन ये विदाई ऐसी है कि बस यूं जाके यूं वापस आने वाला मामला है, क्योंकि अब यहाँ से उर्से पाक के लगातार वीडियोस अपलोड होंगे, और लगातार कोशिश करेंगे कि हम आपको वीडियोस कंटिन्यू दिखाते रहें। तो बने रहें एनएनटीवी के साथ, अल्लाह हाफिज़।